शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सोमवार को सीकर के लक्ष्मणगढ़ दौरे पर है। यहां उन्होंने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रशासन को आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके बाद मंत्री डोटासरा ने एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक ली। इसमें लॉकडाउन और कोरोना को लेकर चर्चा की गई, साथ ही अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिए। तो शेखावत शिक्षक संघ लक्ष्मणगढ़ की ओर से मंत्री डोटासरा को जरूरतमंदों के लिए 800 खाद्य सामग्री के पैकेट भी सौंपे गए। लॉकडाउन थर्ड फेज जो है उसमें काफ़ी रियायतों के साथ में इसको आगे बढ़ाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से इसकी समीक्षा कर रहे हैं डे बाय डे और जो जो निर्देश आवश्यक हों वो दे रहे हैं। आज हमने सीएससी लक्ष्मणगढ़ का सबसे पहले अधिकारियों के साथ में निरीक्षण किया। वहाँ पर एक दो व्यक्ति बिना मास्क के लगा तो उनको समझाइश की गई कि हर आने वाले व्यक्ति अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो उसको 100% रूप से मास्क दिया जाए, सैनिटाइजर से उसके हाथ धुलाए जाएं जाते वक्त और आते वक्त। स्टाफ का जब हमने देखा तो पूरा स्टाफ अपने अपने काम में लगा हुआ था और जितने लोगों ने हाजिरी कर रखी थी या जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो पूरे के पूरे लोग वहाँ पर।